तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, सफ़रनामा के इस एपिसोड में जिस ख़ास शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चित चेहरा है। जी हाँ, पुष्पम चौधरी जो हैं वो आज हमारे बीच में हैं, मुंगेर में हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं, कुछ ख़ास बातें इनसे होंगी और इनकी पार्टी के बारे में हम बात करेंगे, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो मैम, सफ़रनामा में आपका स्वागत है और मुंगेर में आपका स्वागत है। मैम, ये हमारा जो चैनल है मैम, ये अपना मुंगेर है और अपना मुंगेर के तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं। तो मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि मुंगेर आपको कितना इंस्पायर करता है? मैम देखिए, ऐसे तो मैं पूरा बिहार इंस्पायर करता है और बहुत ऑनेस्ट आंसर देंगे, यहीं के हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं। और जब चुनाव के दौरान हम पूरा बिहार घूमे तो हमने बहुत ज़्यादा अंतर देखा नहीं है। हर जगह बहुत ही इंस्पिरेशनल है, मुंगेर भी बहुत इंस्पिरेशनल है। पिछली बार तो हमारा तारापुर का चुनाव भी था, तो हमने फिर से जगह जगह जाके जगह जगह देखे, चीज़ों को देखी, लोगों को देखा। हमारे लिए जगह से ज़्यादा लोग इंस्पिरेशनल होते हैं, तो पीपल आर वेरी इंस्पिरेशनल। तो यही है। सुपर मैम, बहुत ही सही आपने लोगों के सामने अपनी बात रखी है। मुंगेर की अगर बात करें मैम, तो आपने आज विजिट किया है मुंगेर को, जिसमें चंडिका स्थान है मैम, वहाँ जितने भी लोग आते हैं यहाँ, कहीं ना कहीं वो चंडिका स्थान जाकर आशीर्वाद लेते हैं और माँ चंडी का उनको एक वरदान मिलता है। मैम, आपको कितना अच्छा लगा मैम वहाँ जाकर? ये बहुत अच्छा भी लगा और बहुत अफसोस भी हुआ और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया। और उसका कारण उस मंदिर की स्थिति है। अब सबको मालूम है कोविड का वक्त था, कोविड के वक्त में सरकारों को यहाँ पे राजनीति तो मंदिर के नाम पे होती है, लेकिन मंदिर का कुछ भी हो नहीं रहा। सरकारों को असिस्टेंस देने की ज़रूरत थी उस वक्त में। वहाँ पे सब कुछ चौपट हो गया है, मंदिर बंद हुआ करते थे, कैसे मंदिर चलेगा? चलिए, इन लोगों को इंसान से तो कितना लेना देना है हम लोग जानते हैं, लेकिन भगवान को जो भोग लगता है और वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए था, बट कुछ नहीं है, तो बहुत ही अफसोस हुआ। हम साउथ इंडिया की टेम्पल्स में भी जाते हैं, वहाँ की जब टेम्पल्स देखते हैं, वैसे ही स्थान है यहाँ पे, उतने ही पवित्र हैं, वैसी चंडिका देवी है वहाँ पे, दुर्गा है, और जब इस तरीके से तिरस्कृत हैं तो खून खौलता है ये सब देख के। नैरेटिव तो पूरा यहाँ पे यही सबका होता है, लेकिन जो वाकई में इन लोगों को करना चाहिए वो इन्होंने किया नहीं आज तक। जब वहाँ पे जो पुजारी थे, जब हमसे बात कर रहे थे, तो उनको रोना आ गया, ऐसी हालत है। तो यहाँ पे तो जो असली मुद्दे हैं उनके वैसे भी बात होनी नहीं होती। दोस्तों, गुस्सा आना जायज़ है, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना होता है, उनकी आवाज़ बननी होती है आपको। मैम का तो एक शुरू से हम लोग जानते हैं, एक अपना बहुत ही सटीक जवाब देने की एक इनकी एक हैबिट है, लेकिन आज जो एक सवाल है बहुत ख़ास है कि आपने हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस किया शुरू से और आपने हायर स्टडीज़ अब्रॉड में रहकर किया, क्या आपको बिहार के गांव में, गलियों में, कुचों में, जहां पर भैंस के गोबर हैं, जहां पर नाले हैं, जहां पर गंदगी है, मतलब कैसे आप सर्वाइव कर पाती हैं इस तरह, मतलब लोगों के बीच में जाकर, आम लोगों के बीच में जाकर, गांव में जाकर? मैम, मतलब क्या ऐसी बात है आपके अंदर जो कहीं ना कहीं आम लोगों से आपको जोड़ देता है? मैम, जैसे यहाँ पे जो बच्चे आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़े हुए, ऐसे हम बड़े हुए। बिहार की एक बहुत ही एक जगह है दरभंगा, उस जगह का नाम है दरभंगा, यस मैम, वहीं पे स्कूली पढ़ाई की, वहीं पे बड़े हुए। हमारे जिनको जो असली ग्रास रूट्स लोग हैं उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हमारी जो दादी हैं वो तो हिंदी भी नहीं बोल पाती और उन्होंने ही हमें बड़ा किया है, उनके ही आसपास रहे हैं। और हम आपको एक बात कहेंगे, थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को रूड लगेगा, पर गांवों में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं शहर के लोगों की तुलना में। गांवों में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि लोग बहुत ही साफ़ हैं। शहरों में बैठ के ड्राइंग रूम में जो लोग सोचा करते हैं कि अरे गांव में तो ऐसे होता होगा, मैडम आप ऐसे जाती होंगी तो लोग तो मतलब आपसे रिलेट नहीं कर पाते होंगे, इट्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कैसे चल रहे हैं, जो शहर के लोगों को फ़र्क पड़ता है वो समझते हैं, लोगों की उनको पहचान होती है,
और हम बहुत हमें बचपन में ये चीज़ कही जाती थी, हमारी बहन कभी कभी हमें मजाक में कहती थी, लेकिन दादी के पास करते थे तो कहती थी मजाक में लड़ाई तो बिल्कुल दिखाती है, तब तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है था, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम अंदर से बिल्कुल देहात के हैं, हमें गांव बहुत पसंद है, बिल्कुल हम आपको सच बता रहे हैं, हमें गांव के लोग बहुत पसंद है और हम उन्हीं के लिए आए हैं। अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही है कि हम देहात के स्विट्जरलैंड तो नहीं है, कि हम किसी गलत फहमी में आए हैं, हम उन्हीं लोगों के लिए आए हैं जिन लोगों तक उनका अधिकार बीच वाले लोग पहुँचने नहीं दे रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पर, विकास के नाम पे और बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, हम उन्हीं लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं और जब तक जीवित हैं उन्हीं लोगों के बीच में रहें। क्या बात है दोस्तों, आपने सुना ना कि आज भी भारत गांव में बसता है, और जिस तरीके से मिस चौधरी ने अपनी बात रखी है वो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में गाँव बदलेगा, विकसित होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़े लिखे गाँव के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर की है, उनको अपने गांव लौटना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा गांव क्या है, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा चलिए नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं अब, क्योंकि मैम से ये सवाल मेरे जहन में खुद था कि भाई आपके पास ऑप्शन था मैम कि आप या तो पॉलिटिक्स चुनें या फिर आप फिल्मों में आएँ, मतलब आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आपने पॉलिटिक्स को चुना मैम, तो इसके पीछे कोई वजह मैम, कोई बैकग्राउंड अपना पॉलिटिकल? ये तो फिल्मों में क्यों आना है तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि दैट वॉज नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो कभी भी हमारा इंटरेस्ट का एरिया नहीं था। दूसरी एक बात है जो मैं कहूँगी, मुझे बहुत बेइज्जती लगती है इन चीज़ों से, ये आपके सामने बहुत खुल के कहूँगी कि महिला को हमेशा उसके चेहरे के ही बेसिस पे आंका जाता है कि महिला ऐसी दिखती हैं तो इनको ये करना चाहिए, ये वैसी दिखती हैं, चेहरा इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, इसका तो कोई मतलब नहीं। और आप तो एक्टर हैं, खुद आप जानते हैं कि फिल्मों में भी एक्टिंग का ज्यादा महत्व होता है और होना चाहिए। शबाना आजमी बाकी लोग, हाँ, चेहरा का तो चेहरा इज नथिंग, वो तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि आपने अपने माँ बाप से कौन से जेनेटिक्स ले लिया और आपकी कैसी शक्ल हो गई। हमें बचपन से जो करना था उसका कोई लेना देना नहीं था एक्टिंग से या किसी भी चीज़ से, हमने पढ़ाई लिखाई इस वजह से की क्योंकि हमें बिहार को बदलना था, और राजनीति में आना मेरे लिए पर्सनली बहुत ही स्वाभाविक था। उसका कारण ये है कि उन चीज़ों को बदलने के लिए राजनीति में आना ही पड़ेगा, नहीं तो बदला ही नहीं जा सकता। राइट, बहुत बहुत बेबाकी से आपने रखा है। एक आखिरी सवाल जो मैम आपके लिए है, व्हाट्स योर मैम हॉबीज? ऑनेस्टली पोस्ट 8 मार्च 2020 दिस इज व्हाट आई डू, मतलब राजनीति के बारे में सोचना, राजनीति को तो यहाँ पे एक जुमला जैसा बना दिया, राजनीति का मतलब कुछ गंदा ऐसा ही होता है जैसे कि यहाँ की बाकी पार्टियाँ राजनीति करती है, बट राजनीति का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट पीपल, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। और आपको मालूम भी होगा और नहीं मालूम है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितनी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और जो वो बेसिक प्रॉब्लम जो इतने, हमें तो आज ही एक है बंधु, उन्होंने पूछा हमसे कि आप सोशल मीडिया पे किताबों वाले फ़ोटो डालती हैं लेकिन हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप ज़मीन पे कब आएंगे, इस पर हमें बड़ी हंसी आई और हमें थोड़ा सा दुख भी हुआ इस बात का कि हमसे ज़्यादा ज़मीन पे कौन है, हमसे ज़्यादा तो कोई ज़मीन पे नहीं है। हमने जा जा के लोगों को उद्योग दिखाए ताकि लोगों का जो भरोसा ख़त्म हो गया है वो भरोसा ज़िंदा हो कि नहीं बिहार गरीब नहीं है, बिहार को गरीब बनाया गया है। हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तब तो हम किसी को नहीं देखते, यहाँ पे सिर्फ पोस्टर वाली राजनीति होती है, कोई कहीं आएगा उसके पोस्टर लग जाने हैं, उसी को ये लोग ज़मीन की राजनीति कहते हैं। ज़मीन का मतलब होता है लोगों की समस्याएं समझना, उनका इंक्लूडन करना पॉलिसी मेकिंग में। तो हम जब से 2020 से आए हैं दिस इज़ ओनली माई हॉबी, यही हॉबी है। हाँ हमें किताबें पढ़ना पसंद है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द किताब जो आप देखते हैं जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वैसे भी वो 0.01% फोटोज़ होते हैं, बाकी सारे फोटोज़ तुम्हारे लोगों के ही साथ में होते हैं, गाँव के लोगों के साथ में होते हैं, और वो भी पढ़ी हुई किताबें हैं जो हम इसलिए डालते हैं कि बच्चे इंस्पायर, वो जान सके कि भगत सिंह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, लेनिन कौन थे, हमारे रेणू जी कौन थे, वो जान सके, इसलिए हम वो किताबें डालते हैं। लेकिन पढ़ने का शौक़ है और देखिए कब वक्त मिलता है फिर पढ़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट मैम। सफ़रनामा के इस एपिसोड में अभी आपने बेबाकी से सुना पुष्पम प्रिया चौधरी मैम को,
जो अपने आप में एक आइडियल हैं और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर कर जा रही हैं युवाओं को, जो लोग पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं और जो नॉन पॉलिटिकल भी हैं। तो एक बार दोबारा मैम आपका मुंगेर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू एवरीवन।